सो हम लोग बैठे हैं लक्ष्मी विस्टार मीनार, और ये जहाँ से आप माल रोड पर एंट्री करते हैं ना, जहाँ से टिकट मिलता है माल रोड मार्केट में जाने के लिए कम्बसूरी में, बिल्कुल उसी के वहीं पर जहाँ से टिकट मिलता है वहीं पर होने पर ये लक्ष्मी विस्टार मीनार है। छोटा सा एरिया है बट बैठने की जो कैपेसिटी है जिस टाइम में बैठ सकते हैं, और यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर कुछ भी कर सकते हैं, और वो भी बहुत रीजनेबल रेट्स में पराठा वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है। 12 बजे तक आपको यहाँ ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, उसके बाद आपको लंच और डिनर मिल जाएगा। आप यहाँ आकर इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, और मेरी रिकमेंडेशन है कि रीजनेबल रेट में आप पे करके खा सकते हैं, और टेस्ट के मामले में भी एक जनरिक टेस्ट है, स्टैंडर्ड टेस्ट है जो सबको समझ में आता है। तो नोट डाउन कर लीजिए लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, अगर आप मसूरी आते हैं तो अगर मील्स के लिए लंच ब्रेकफास्ट और डिनर किसी चीज़ के लिए यहाँ रेफर कर सकते हैं। इधर ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहे। अब हम लोग जा रहे हैं एक लोकेशन पे मसूरी में, जिस लोकेशन का नाम है दलाई हिल्स, और वो लोकेशन एक तरीके से जीरो पॉइंट कही जाती है। तो जैसे आपने पहाड़ों पे देखा होगा कि जीरो पॉइंट कहा जाता है कि बिल्कुल टॉप पर जाकर वो जगह है, तो दलाई हिल्स यहाँ पर वो जगह है जहाँ पर जीरो पॉइंट पर हम लोग पहुँचेंगे, और वहाँ से व्यूज़ देखेंगे कैसे आते हैं और आप लोगों को भी दिखाएंगे। और ये जगह वन ऑफ द फेमस प्लेस है व्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि यहाँ पर प्री वेडिंग्स के लिए भी जो कपल्स आते हैं वो प्री वेडिंग दलाई हिल्स में करी जाती हैं, क्योंकि वहाँ के व्यूज़ बहुत अच्छे हैं और वहाँ का पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा आता है। तो बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। सो हम लोग आ चुके हैं दलाई हिल्स, और ये मसूरी की एक ऐसी जगह है जो शायद ही आपने देखी होगी या बहुत कम लोगों ने देखी होगी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर बहुत सारी प्री वेडिंग के लिए भी ये जगह बहुत फेमस है, क्योंकि ये जगह बिल्कुल अलग है, अलग लोकेशन पर है, हाइट बहुत अच्छी है, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। चलते हैं फटाफट से और आपको दिखाते हैं दलाई हिल्स। सो ये इसका एंट्रेंस गेट है, बुद्धिस्ट टेम्पल है यहाँ पर, तो इसे दलाई हिल्स और बुद्धिस्ट हिल भी बोलते हैं। सो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कैफ़े अनहाता, और ये जैसे ही आप एंटर करेंगे दलाई हिल्स में बुद्धिस्ट टेम्पल में मसूरी के अंदर, और वहाँ पर आपको मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है, यहाँ से व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। इस रेस्टोरेंट के ठीक बैक साइड पे वैली है जिसको आप देख कर इंजॉय कर सकते हैं, बट जनरली यहाँ पर मोस्टली तिब्बतन फूड्स मिलता है। सो ये है बुद्धिस्ट टेम्पल यहाँ पर, और ये इसके बारे में ये कुछ लाइन्स लिखी हुई हैं, और देखते हैं अंदर चलकर। This way and these are the prayer wheels, यहाँ पर prayer wheels हैं जिनको घुमाया जाता है like this, yes, wow, और ये इधर hills हैं, पहाड़ हैं, और यहाँ पर ये पूरी prayer wheels हैं जिनको आप घुमा सकते हैं पूरे तरीके से। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया लोकेशन पर ये बना हुआ है, और ये कोई स्पिति नहीं है, ये कोई मैक्लोडगंज नहीं है जहाँ पे हम ये बुद्धिस्ट टेम्पल देख रहे हैं, ये मसूरी है। हाँ जी, मसूरी, जहाँ पर इतनी बढ़िया ये लोकेशन है। सो ये टेम्पल है। सो एक टेम्पल और भी है यहाँ जहाँ पे हम जाएंगे, जो सबसे ज़्यादा मेन टेम्पल, बड़ा फेमस टेम्पल है यहाँ पर, जिसके लिए थोड़ा सा हमें ट्रैक करना पड़ेगा, तो ट्रैक करके फटाफट से हम आपको उस टेम्पल पर भी लेकर चलते हैं। ये मंदिर था, और यहाँ से जो व्यू है इस मंदिर के बाहर से, दिस इज़ रियली रियली ऑसम, बहुत बढ़िया व्यू है यहाँ से, और मैं इस जगह को पहली बार देख रहा हूँ, और होपफुली शायद आप भी इस जगह को पहली बार ही देख रहे होंगे, और डेफिनेटली इस व्लॉग के बाद आप यहाँ पर घूमने आइएगा, अगर आए तो कमेंट मेंशन करना मत भूलिएगा। सो बाहर से जहाँ से आपने गेट देखा था बुद्ध टेम्पल के लिए, उसके बाद करीबन एक किलोमीटर की ट्रैकिंग है जो आपको ये रास्ता है, और ये रास्ता चलकर आपको ऊपर जाना पड़ेगा, पर ये रास्ता थोड़ा सा स्टीप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वहाँ से पूरा रास्ता चढ़ के आपको ऊपर जाना होगा, जहाँ जाकर आपको बुद्धा टेम्पल और बुद्धा स्तूपा मिल जाएगा, जो कि मेन अट्रैक्शन है इस जगह का, और अभी थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि रास्ते में ही थोड़ा सा ऊपर आते, करीबन 100 मीटर ऊपर आते ही मेन गेट से आपको एक कैंटीन मिल जाएगी, और इस कैंटीन में आपको पराठे, ऑमलेट, चाय, मैगी, ये सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। कैसा था भैया टेस्ट में यहाँ का कैंटीन? बढ़िया खाना था। ऊपर आ चुका हूँ, और ट्रैक थोड़ा सा स्टीप है, बट आपको दिखाता हूँ, अभी एग्जैक्ट ऊपर नहीं पहुँच पाऊँ, बट थोड़ा सा पहले से व्यूज़ दिखाता हूँ। सारी हिल्स हैं, माउंटेन पीक्स हैं, एक के बाद एक, व्हाट अ व्यू,
वाह फाइनली हम ऊपर पहुंच गए हैं जो बुद्धा स्तूप है उसके पास, और यहाँ से व्यूज बहुत सुंदर हैं। चढ़ने में थक से रुक गए पर यहाँ आकर सारी सांसें एकदम नॉर्मल हो गई। और मस्ट विजिट जगह है अगर आप मसूरी आते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये जगह आपने नहीं एक्सप्लोर करी होगी। ये अनएक्सप्लोर्ड मसूरी का पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से व्यूज़। देखिए बिल्कुल ऊपर में वैली है, और अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊँ तो पीछे पूरे स्नो पीक माउंटेन्स हैं पूरे तरीके से। डोंट नो कि कैसे ये जगह अनएक्सप्लोर्ड रह गई, बट डेफिनेटली इस व्लॉग के बाद ये जगह अनएक्सप्लोर्ड नहीं रहनी चाहिए, और आप लोगों को अब यहाँ भी विजिट करना होगा। और ये पूरे बुद्धिज़्म में जिस तरीके से फ्लैग्स लगाए जाते हैं, ये सारे फ्लैग्स बांधे हुए, और इसके उस तरफ है बुद्धा स्तूप, वो मैं आपको दिखाता हूँ जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। सो ये है बुद्धा स्तूप जिसके लिए हम इतनी ऊपर आए हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये कोई ले मनाली नहीं है, ये कोई मैक्लोडगंज नहीं है, ये आपका अपना मसूरी है जो दिल्ली टू उत्तराखंड, दिल्ली टू मसूरी आप हर वीकेंड पे आ जाते हैं, बट डेफिनेटली आपने ये जगह एक्सप्लोर नहीं करी होगी। ये अनएक्सप्लोर मसूरी का पार्ट है, एंड आई कैन बेट अगर आप एक बार यहाँ आ गए सो डेफिनेटली आपका मसूरी का प्लान मसूरी की माल रोड, कंपनी गार्डन और गन हिल के लिए नहीं, बुद्धिस्ट टेम्पल के लिए बनेगा, इस जगह के लिए बनेगा, इस व्यू के लिए बनेगा। सो फाइनली हम लोग नीचे जा रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जो कि मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ फटाफट से, कि अगर आपको यहाँ पर आना है तो इस लोकेशन का नाम है आप बुद्धा स्तूप कह लीजिए, बुद्धा टेम्पल कह लीजिए, बुद्धिस्ट टेम्पल कह लीजिए, तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इस लोकेशन पर पहुँचने के लिए आपको मसूरी से किसी भी तरीके का, अगर आप चाहें तो कैब बुक कर सकते हैं, कैब नहीं हो तो आप मसूरी से रेंटल पे स्कूटी ले सकते हैं, बाइक ले सकते हैं, और वहाँ से लेने के बाद आप यहाँ पहुँच जाएंगे। आपको करीबन 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा और आप मसूरी से इस लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो ज़्यादा नहीं चल सकता, उसके लिए ये लोकेशन नहीं है। रीज़न बीइंग क्योंकि आपको यहाँ पर ट्रैक करके आना पड़ेगा, करीबन 1 किलोमीटर का बहुत ही स्टीप ट्रैक है, और इस ट्रैक को करने के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो हाईली रिकमेंडेड है कि अगर आप यहाँ इतना चल सकते हैं और यहाँ पहुँच जाते हैं तो आप डेफिनेट ट्रैक करें, बट अगर आप नहीं चल सकते तो यहाँ पर ये लोकेशन आपके लिए नहीं है। सो मैं आपका DRJ साइनिंग ऑफ फ्रॉम बुद्धा स्तूप इन मसूरी, और इसके बाद जल्दी हम एक नई लोकेशन पर पहुँचेंगे और डेफिनेटली आपको उसको एक्सप्लोर कराएंगे। टाटा।